कि आइल्स के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं। बहुत बार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस गलत जाते हैं और आपका स्कोर लो आता है। डोंट वरी, थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। एक्यूरेसी जरूर बढ़ेगी, स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं सारे वर्ड्स तो मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को देखते हैं टिल दी एंड। सो लेट्स बिगिन। जब भी आपको लगे कि आपके पास टाइम नहीं है, आपका एग्जाम चल रहा है और बहुत ही कम टाइम बचा है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस अभी भी रह गए, तो ये टिप बहुत काम आती है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि सर्टन, सम, मोस्ट, कैन, इज पॉसिबल, मे, समटाइम्स एंड फ्रीक्वेंटली। सपोज ये वर्ड्स आ जाएं तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको ट्रू मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम फॉल्स का ध्यान दें, अगर आपके किसी सेंटेंस में ऑलवेज है, फुली है, कंप्लीटली है, होल है, ऑल एंटायरली, ओनली, मस्ट, इज सिग्निफिकेंट, इज क्रूशियल, एनी लिटिल, नेवर, ये वर्ड्स हैं, तो ज्यादातर ये सेंटेंसेस फॉल्स होते हैं। और उसी तरह अगर कंपैरिजन हो, जैसे कि लेस देन, मोर देन, हायर देन, ग्रेटर देन, बिगर देन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये नॉट गिवन होते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये ट्रिक तभी वर्क करेगी या इस ट्रिक को आपको तभी यूज करना है जब आपके पास टाइम कम हो और आप ज्यादा करेक्ट आंसर्स चाहते हैं। तो सो दिस ट्रिक रियली वर्क्स मेनी अ टाइम्स एंड माइंड इट वर्क्स रियली। ओके, उसके अलावा लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज ये हमारे क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज मोर वायलेंस ऑन टीवी देन अदर कंट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि अगर कंपैरिजन हो तो ज्यादातर नॉट गिवन होता है। लेट्स चेक इट आउट, क्या ये सही है। सो यहाँ है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, कंटेंट चेक आउट करते हैं। क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज मोर वायलेंस ऑन टीवी देन अदर कंट्रीज। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ कंपैरिजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स में वायलेंस टीवी पर ज्यादा दिखाया जाता है देन अदर कंट्रीज। अब देखते हैं कंटेंट क्या है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा मर्डर रेट्स क्लाइम्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन। इसका क्या मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा में जो मर्डर रेट्स हैं वो टेलीविजन के इंट्रोडक्शन के बाद बढ़ गए हैं। मतलब टेलीविजन जब से इंट्रोड्यूस हुआ मर्डर रेट्स बढ़े हैं, कहाँ कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा में। द मर्डर रेट्स डबल्ड, यहाँ बोल रहे हैं डबल्ड इन 10 to 15 ईयर्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन ग्रियो। तो बार बार बात हो रही है मर्डर रेट्स बढ़े हैं टेलीविजन के इंट्रोडक्शन के बाद, कैनेडा यूनाइटेड स्टेट्स में मर्डर रेट्स बढ़े, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ कंपैरिजन है, यहाँ बोल रहे हैं देन अदर कंट्रीज, मतलब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दूसरी कंट्री से। लेकिन जब हम अपना कंटेंट देखते हैं तो यहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं है, यहाँ सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा की बात हो रही है। तो जब दूसरी कंट्रीज के बारे में बात ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये नॉट गिवन आएगा। नॉट गिवन क्यों, क्योंकि कंपैरिजन की कोई बात हुई नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन नहीं होता तो आंसर यहाँ पे नॉट गिवन आएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर देन अदर कंट्रीज या देन आ जाए तो आंसर नॉट गिवन होता है, तो इसका भी आंसर होगा नॉट गिवन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रिक, बट माइंड इट, यूज दिस ओनली वेन यू आर इन ट्रबल, जब आप किसी मुश्किल में हैं, आपको लगता है टाइम कम है। ओके, अब कुछ और वर्ड्स हैं जिनका आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वो वर्ड्स ध्यान नहीं देते तो आते हुए भी आप उसको गलत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक ऑलवेज, वर्ड्स लाइक सम, ऑल, मोस्टली, ओकेजनली, ऑफन, मेनली एंड ऑलवेज। तो इन वर्ड्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन में। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, मोस्टली का मतलब ज्यादातर है। क्या इन दोनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी हम इन वर्ड्स को निग्लेक्ट करते हैं और सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में हो ऑलवेज और पैसेज में मोस्टली का यूज हो, तो ये आंसर सेम नहीं हो सकते या इसका मतलब सेम नहीं है। ऑल, सम, ओकेशनली, ऑफन, मेनली, इन वर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मेनली का भी मतलब होता है ज्यादातर, लेकिन मेनली और ऑलवेज में डिफरेंस है। ऑफन मीन्स अगेन ज्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं। ओकेशनली होता है कभी कभी, ओकेशनली और ऑफन में भी डिफरेंस है। और सम मतलब
कुछ। तो इन सभी वर्ड्स जब भी आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस में ये वर्ड्स हैं तो आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस। जैसे क्वेश्चन है, यू हैव अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, पीपल इन इंडिया ऑलवेज वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, पीपल इन इंडिया ऑलवेज वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ऑलवेज मतलब हमेशा। नेक्स्ट सेंटेंस है, पीपल इन इंडिया मेनली वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो डेफिनेटली ऑलवेज और मेनली में डिफरेंस है ना। तो सपोज सेंटेंस आपका जो पैसेज है उसमें ऑलवेज लिखा है और क्वेश्चन में मेनली लिखा है, तो आपका आंसर ट्रू तो नहीं हो सकता। हाँ, बाकी पैसेज पे डिपेंड करेगा कि वो नॉट गिवन है या फिर फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑलवेज और मेनली में डिफरेंस है, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। लेट्स सी सम अदर सेट ऑफ वर्ड्स। जैसे आपके पास वर्ड्स हैं सजेस्ट, क्लेम, बिलीव एंड नो। एक है कि कोई बात सजेस्ट करना, जैसे सम पीपल सजेस्ट दैट मैरिज एज ऑफ गर्ल्स शुड बी 21 ईयर्स। ये एक सुझाव है लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। सो यू कैन नॉट से कि ऑलरेडी द बिल हैज बीन पास्ड, अभी लोगों ने सजेस्ट किया है। सजेशन करना और रियल में होना दोनों में डिफरेंस है। तो अगर क्वेश्चन में सजेस्ट है और पैसेज में ऐसा बोला गया है कि ये ऑलरेडी है, तो अगेन आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद वर्ड्स लाइक क्लेम, क्लेम मतलब किसी चीज पर ये क्लेम करना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है सपोज, है ना। तो क्लेम करना और रियल में होना दोनों में अगेन डिफरेंस है। बिलीव मानना, अगेन मानना अलग होता है और रियलिटी में कुछ होना अलग होता है। नो मतलब जानना। सो वेन एवर यू गेट वर्ड्स लाइक सजेस्ट, क्लेम, बिलीव एंड नो, आपको इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं और पैसेज में नहीं, तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नॉट गिवन होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। द मैन क्लेम्ड ही वॉज एन अमेरिकन सिटीजन। उसने क्लेम किया, मतलब अभी श्योरिटी नहीं है कि वो अमेरिकन सिटीजन है या नहीं। और दूसरा है द मैन इज एन अमेरिकन सिटीजन, इसका मतलब है वो अमेरिकन सिटीजन है। डेफिनेटली दोनों सेंटेंस का मतलब अलग है। पैसेज में अगर क्लेम्ड है और क्वेश्चन में इज एन अमेरिकन सिटीजन है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सम इम्पोर्टेंट टिप्स। आंसर्स हमेशा रीडिंग पैसेज में सेम ऑर्डर में होते हैं, मतलब अगर फर्स्ट आंसर आपको फर्स्ट पैसेज की थर्ड लाइन में मिला है तो सेकंड आंसर उसके बाद मिलेगा। ऊपर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। या सेकंड पैराग्राफ में आपको अगर फर्स्ट का आंसर मिला है तो फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड का आंसर ढूंढकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज 97-98% केसेस में आंसर सेम ऑर्डर में होते हैं। फर्स्ट आंसर अगर सेकंड पैरा में मिला है तो सेकंड उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट टिप है अंडरलाइन द मेन वर्ड। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें से जो कीवर्ड है उसको जरूर अंडरलाइन करें और उससे ही पैसेज ढूंढें। पैसेज को पूरा कभी भी मत पढ़ें। नेक्स्ट, इफ यू कांट फाइंड द आंसर मार्क इट इज नॉट गिवन। देखो आंसर नहीं मिल रहा, कुछ तो लिखोगे, बेटर है नॉट गिवन लिख दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही हो जाता है, इट वर्क्स। इफ रियली अनश्योर तो मी मार्क इट इज नॉट गिवन, मतलब अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है फॉल्स होगा नॉट गिवन होगा और बहुत मेहनत के बाद भी आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, देन ऑल्सो मार्क इट इज नॉट गिवन। सी दीज आर टिप्स विच वर्क एट द लास्ट मोमेंट, सो समटाइम्स इट रियली गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। नेक्स्ट, सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप्स। रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, ध्यान रखना अगर इंस्ट्रक्शंस में, लेट मी टेल यू अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इवन आफ्टर टेलिंग देम 100 टाइम्स। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया है राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और आपने आंसर में लिख दिया येस नो नॉट गिवन, देन आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इंस्ट्रक्शंस में है राइट ट्रू तो आप येस नहीं लिख सकते, फॉल्स तो फॉल्स ही, मतलब फॉल्स ही लिखेंगे, नो नहीं लिख सकते, नॉट गिवन तो नॉट गिवन रहेगा। एक और शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिए, है ना, एन जी नहीं, नॉट गिवन पूरा। डोंट पैनिक। सी जब भी हम पैनिक होते हैं हमारा हार्ट बीट बढ़ता है और जब हमारा हार्ट बीट बढ़ता है तो हम कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अगर आप रीडिंग के टाइम नर्वस हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप स्कोर नहीं ले पाएंगे। सो डोंट पैनिक, बी कूल, यू कैन अटेम्प्ट इट अ सेकेंड टाइम ऑल्सो, सो डोंट वरी, इट्स नॉट योर बोर्ड एग्जाम। डो नॉट स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऑन क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि
मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो व्हाट आई टेल स्टूडेंट्स कि एक बार सपोज क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको नहीं मिल रहा है, आपको लेकिन एक स्लाइट सा आइडिया है कि ये उसका आंसर है, उस आंसर को उस टाइम लिख दीजिए, ठीक है। और उधर क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि आई नीड टू कम बैक ऑन दैट क्वेश्चन। तो क्या होता है, एक बार आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आपको अच्छे से आते हैं, और लास्ट के अगर आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं, तो डोंट यू थिंक बेटर है कि उस 5 मिनट में इस क्वेश्चन पे वापस आइए। क्या होता है, हम रिलैक्स्ड होते हैं तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि हमारा आंसर ठीक चला जाता है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आप लास्ट में वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू में 5 मिनट एक क्वेश्चन पे स्पेंड कर दिया, पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और लास्ट में यू विल पैनिक एंड यू विल स्पॉइल द स्कोर। लास्ट, डोंट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस अराउंड अ पर्टिकुलर वर्ड। जरूर नहीं आपको सारे वर्ड्स, सारे वोकैबुलरी, सबका मीनिंग आता हो, ये बहुत बार पॉसिबल होता है कि कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं आती हो। डोंट वरी, उस वर्ड के आसपास जो सेंटेंस है उसको पढ़कर आप इस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि ये एक फिलअप है और आपको ये सेंटेंस पढ़ के इस फिलअप को गैस करना है। तो कभी कभी अगर आपको वो वर्ड नहीं आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत बार उसके आसपास के सेंटेंस पढ़कर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है। अच्छा, कभी कभी इंस्ट्रक्शंस में ये भी होता है कि यू कैन यूज मोर देन वन हेडिंग, जैसे विच पैराग्राफ कंटेन्स विच इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि यू कैन यूज एनी हेडिंग लाइक ए बी सी डी ई एफ मोर देन वंस, तो वहां तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि यू कैन यूज एनी हेडिंग मोर देन वंस, तो फिर आप यूज नहीं करेंगे। एक और इंस्ट्रक्शन आता है, डोंट राइट मोर देन टू वर्ड्स, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने दो वर्ड से ज्यादा लिख दिया तो यू आर बाउंड टू स्पॉइल योर स्कोर, बिकॉज वो गलत माना जाएगा चाहे आपका आंसर सही भी हो। सो इफ द इंस्ट्रक्शंस आर डू नॉट यूज मोर देन टू वर्ड्स, प्लीज डू नॉट यूज मोर देन टू वर्ड्स। एक और टिप है, अगर ऑल दो, हावेवर, इन कॉन्ट्रास्ट, डिस्पाइट, ये वर्ड्स आते हैं तो इसके आसपास आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जब भी आप ऑल दो देखें, हावेवर देखें, इन कॉन्ट्रास्ट देखें, डिस्पाइट देखें, तो इसके बाद के सेंटेंसेस जरूर पढ़ें, आंसर मोस्टली उधर ही छुपा होता है। तो कभी भी कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं और देखें उसके बाद ऑल दो है, तो एकदम ऑल दो से पहले आंसर गेस ना करें, ऑल दो के बाद वाला सेंटेंस पूरा पढ़ें, ऑल दो से पहले वाला सेंटेंस भी पढ़ें और ऑल दो से बाद वाला भी सेंटेंस पढ़ें। पर्टिकुलरली दिस हेल्प्स यू इन हेडिंग्स अलॉट, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी मदद करता है। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स को निग्लेक्ट ना करें, इनके पहले का सेंटेंस और इनके बाद का सेंटेंस जरूर पढ़ें। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दो, इन कॉन्ट्रास्ट, हावेवर एंड अदर कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। सो प्लीज 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 गो थ्रू दीज टिप्स, बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स विच आई टोल्ड यू, एंड इम्प्रूव योर स्कोर इन आईएलटीएस रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू थिंक इट इज ऑफ एनी यूज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। थैंक यू।